हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे होटेलिंग लेमास जो MEC 101 का VVI मोस्ट VVI क्वेश्चन की कैटेगरी में हम रख सकते हैं और ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो होटेलिंग लेमा एक कम्प्लेक्स प्रक्रिया है। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले आपको प्रॉफिट फंक्शन समझना होगा और इसी प्रॉफिट फंक्शन से आपको सप्लाई फंक्शन निकालना होगा। प्रॉफिट फंक्शन से क्या निकालना होगा? सप्लाई फंक्शन। ठीक है, इसी को नेट सप्लाई फंक्शन कहेंगे और फिर सप्लाई फंक्शन को प्राइस ऑफ आउटपुट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो होटेलिंग लेमा हम पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको चाहिए सप्लाई फंक्शन। ठीक है, प्रॉफिट फंक्शन से हम सप्लाई फंक्शन निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि सप्लाई फंक्शन होता क्या है, तब आप प्रॉफिट फंक्शन को समझ पाओगे। तो एक्चुअली जो सप्लाई फंक्शन क्या होता है, सप्लाई फंक्शन और इट इन्वॉल्व मैथमेटिक्स। ठीक है, थोड़ा सा यह ध्यान रखिएगा, जो सप्लाई फंक्शन शो करता है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है, वेरियस मैंने क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय अ फर्म एट वेरियस प्राइसेस ऑफ टू चीज, वेरियस प्राइसेस ऑफ आउटपुट जिसको पी से डिनोट करेंगे एंड प्राइसेस ऑफ इनपुट, जिसको इनपुट अगर हमारा प्रोडक्शन फंक्शन में, अगर मान लो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन क्यूब इन्वॉल्व करता है दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी दो इनपुट, तो ये उस पर भी डिपेंड करेगा W4L और R4K यानी वेज फॉर लेबर एंड रेंट फॉर कैपिटल। ये तीन चीज पर सप्लाई निर्भर करता है। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है, भैया कि सप्लाई तो है तो उसको क्या लेना देना है, प्राइस पर निर्भर करेगा, इस पर दोनों पर क्या? नहीं, इनपुट प्राइस भी मायने रखता है, उसी के आधार पर आपका फाइनल ये पी निर्धारित होता है। ठीक है, पहली बात, जैसे अभी किसका परफेक्ट एग्जांपल ले सकते हैं, अभी जैसा कि अमेरिका ने अपना मतलब एक दबदबा बनाया है एशियन कंट्री पर, खास करके चाइना, जो माने ये क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ उसका प्रोडक्शन, कोल का प्रोडक्शन, जो कार्बन का कम मतलब उत्सर्जित करना है, इमिशन करना है, जिसके कारण चाइना में MSME है सारा बंद हो गया कोल की शॉर्टेज से। ठीक है, तो ये शॉर्टेज के कारण वहाँ फैक्ट्री बंद हो गया, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का प्राइस बढ़ने लगा। ठीक है, जिसके कारण हम इंडिया वाले भी फेस कर रहे हैं। एनीवे, तो यहाँ पर सप्लाई फंक्शन जो है वो तीन चीज पर निर्भर करता है, प्राइस ऑफ आउटपुट एंड प्राइसेस ऑफ इनपुट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट आउटपुट। ठीक है, उसी का निर्भर करेगा जो इसके प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो गए। अब यहां पर हम देख रहे हैं जो इनपुट का भी प्राइस होगा, जैसे कैपिटल हमारा दो प्रोडक्शन फंक्शन इन्वॉल्व है, तो के जो होगा जो क्वांटिटी ऑफ कैपिटल वो भी डिपेंड करेगा प्राइस ऑफ आउटपुट लेबर कैपिटल, और एल भी डिपेंड करेगा ये तीन चीज पर, प्राइस ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑफ जो भी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है उसके प्राइस ऑफ इनपुट प्राइस पर। ऐसा क्यों? अब मान लो इसका प्राइस बढ़ गया लेबर का, तो क्या करेगा? कैपिटल का ज़्यादा यूज करेगा, तो रेंट ज़्यादा देना पड़ेगा। देखते जाओ, उसी तरह अगर मान के चलो रेंट ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो लेबर को ज़्यादा यूज करेगा आदमी, ये मैंने प्रोड्यूसर फॉर्म। ठीक है, इसलिए अगर ये दोनों को हम इंक्लूड कर दें एक सिंगल प्रोडक्शन फंक्शन में, तो ये बन जाएगा के स्टार एल स्टार। ठीक है, इसका मीनिंग है कि ये जो हमारा मतलब क्वांटिटी जो प्रोडक्शन फंक्शन आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और फिर अगेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो तीन चीज पर निर्भर कर रहा है, प्राइस ऑफ आउटपुट एंड इनपुट प्राइस। जितना इनपुट होगा, यहाँ दो है इसलिए दो दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रॉफिट फंक्शन, जो फर्म का किसी भी फर्म का जो प्रॉफिट फंक्शन होता है पाई, वो डिपेंड करता है मार्केट प्राइस ऑफ थ्री चीज, वो भी तीन चीज पर ही निर्भर करेगा, वो है प्राइस ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑफ इनपुट, वो भी निर्भर करेगा। जितना ज़्यादा कम, देखिए ये दोनों का जितना कम प्राइस होगा और इसका जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना, अरे होगा कि नहीं? प्रॉफिट क्या, डिफरेंसेस बिटवीन टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है,
अब यहां से हम देखो हॉस्टिंग लेमा को सिंप्लीफाइड एक रूप लेंगे, मैं ऐसा कंसीडर करूंगा प्रोडक्शन फंक्शन जिसमें सिंगल आउटपुट ठीक है प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिंगल इनपुट आप कर सकते हो लेबर, ठीक है ऐसा हम ले रहे हैं फॉर सिंप्लिसिटी का। अब हमारा प्रोडक्शन फंक्शन जो होगा वो सिंगल आउटपुट और सिंगल इनपुट को दिखाएगा। तो जैसा कि हम यहां ले सकते हैं कि एक सिंगल माने क्यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स और ये एक सिंगल इनपुट यूज कर रहा है, सिंगल इनपुट यानी आप कह सकते हो लेबर। तो यहां पर प्रॉफिट फंक्शन को हम लिख सकते हैं पाई इक्वल टू पी इंटू क्यूब, ठीक है जो क्यूब को हम डायरेक्ट हा क्यूब माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी टीसी टोटल कॉस्ट। तो यहां सिंपल सा बात है क्यूब का वैल्यू एफ एक्स है और यहां टीसी का मतलब होगा देखो टीसी का मतलब टोटल कॉस्ट तो यहां पर होगा डब्ल्यू एक्स। ऐसा क्यों, ये डब्ल्यू बेस बता रहा है और एक्स इज द नंबर ऑफ लेबर यूज्ड, ठीक है तो यहां डब्ल्यू एक्स हो गया, ठीक है तो ये प्रॉफिट फंक्शन तैयार हो गया। लेकिन यहां पर याद रखना है मेरा दो चीज नहीं है, सिर्फ एक लेबर को ही यूज कर रहे हैं, क्लियर। अब इसको एफओसी जो एफओसी का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, इसके डेरिवेटिव लेंगे पाई का और उसको सेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में और इसको सेट करेंगे इक्वल टू जीरो। तो यहां पर हो जाएगा पी एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ देखो पी मल्टीप्लाई है इसकी डेरिवेटिव हो रही है, ठीक है तो एक्स और माइनस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। लेकिन हम यहां जानते हैं कि हमारा जो इनपुट फंक्शन है वहां पर तो हम दिखाए ना इनपुट फंक्शन के अगर लिए थे तो वो तीन चीज पर निर्भर कर रहा था। अच्छा अच्छा छुटिए ये टोटल हाँ टोटल का लेना पड़ेगा टोटल का लेना पड़ेगा चीज सॉरी हम छोड़ दिया इसलिए, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि जो अभी हमने दिखाया कैपिटल इज द फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल प्राइस ऑफ आउटपुट एंड प्राइसेस ऑफ इनपुट डब्ल्यू आर। लेकिन यहां दिमाग रखना हमेशा कि हमारा जो इनपुट डिमांड फंक्शन यहां होगा इस केस में होगा क्योंकि मैंने इन्वॉल्व किया है सिंगल इन आउटपुट इज ए प्रोड्यूस बाय सिंगल इन विद द हेल्प ऑफ सिंगल इनपुट। तो यहां कभी नहीं होगा हमारा जो अब होगा जो हमारा एक्स होगा जो हम इन करेंगे तो वो किसका फंक्शन होगा दो चीज का फंक्शन होगा वो किसका किसका होगा पी डब्ल्यू, ठीक है। इसमें अब यहां पर हम आर क्यों नहीं लिए इसका रीजन है कि मैंने कैपिटल यहां यूज्ड नहीं हो रहा है, इतना क्लियर हो गया जी। तो अब जो तुम्हारा प्रॉफिट फंक्शन होगा वो एक नया रूप लेगा जो हम ऊपर लिख दे रहे हैं उसकी डेरिवेटिव लंबा चौड़ा होगी। जैसे जैसे इसमें इन्वॉल्व हो रहा था हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन था वो दो चीज का फंक्शन था एल और के का, जिसके कारण हमको पता है कि सप्लाई फंक्शन किस पर डिपेंड करता है प्राइस ऑफ आउटपुट टेक यानी पी और प्राइसेस ऑफ इनपुट जो ये दोनों का प्राइसेस को डब्ल्यू और आर से डिनोट किए। लेकिन यहां पर जो हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सिंगल वेरी मतलब सिंगल है मतलब आउटपुट है और सिंगल इनपुट के सहारा से किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो इनपुट डिमांड फंक्शन होगा वो प्राइस और प्राइस ऑफ आउटपुट और प्राइस ऑफ इनपुट यानी डब्ल्यू होगा क्योंकि लेबर को ही यूज किया जा रहा है कैपिटल को नहीं। मान के चलो हम मैनुअली कहीं पौंड को डिगिंग कर रहे हैं, ठीक है बहुत ऐसा काम है जो मैनुअली किया जाता है अभी भी। जैसे मान के चलो कुछ घर में ऐसा रसगुल्ला ही बनाने का हमारा फैक्ट्री मैंने बात थी हम बेचने का होटल वाला खुद बना रहा है मैनुअली उसके लिए किसी भी मशीन की जरूरत नहीं है। खैर एनीवे तो इस तरह का बहुत ऐसा तुम कंसीडर कर सकते हो। जब इस तरह हो गया तो उस हिसाब से हमारा जो इनपुट डिमांड फंक्शन जो होगा वो कुछ अलग होगा। अब हमको यही चीज देखो ये दोनों का मीनिंग एक ही होगा अब आगे हम लोग चल के देखते हैं। तो यहां पर अब हमारा प्रॉफिट फंक्शन भी होगा तो किसका होगा पी डब्ल्यू का जिसके हिसाब से अब यहां देखो बहुत ही बारीकी से काम करना पड़ेगा। यहां देखो पी तो एज इट इज रहेगा, ठीक है कंपोजिट फंक्शन अगर पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगी बात। ये एफ हो गया अब ये एक्स का वैल्यू हम ये वाला वैल्यू करेंगे क्योंकि जो एक्स है हमारा आउटपुट वो लोड चीज पर डिपेंड कर रहा है पी डब्ल्यू पर। तो यहां लिखेंगे एक्स
एक्स विच इज द फंक्शन ऑफ पीडब्ल्यू, ये कंपोजिट फंक्शन हो गया, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू, फिर एक्स टैंस एक्स इज द फंक्शन ऑफ पीडब्ल्यू, ठीक है, ये समझ में आ गया। क्योंकि जहां x है अब x के बराबर इतना लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा देखो, ये तो डायरेक्ट सप्लाई फंक्शन था, अब सप्लाई फंक्शन को प्रॉफिट फंक्शन में कन्वर्ट किया। मैंने पहले ही बोला कि प्रॉफिट फंक्शन से सप्लाई फंक्शन निकालेंगे, ये तो डायरेक्ट आप निकाल दिए, ये थी सप्लाई फंक्शन, लेकिन प्रॉफिट फंक्शन से सप्लाई फंक्शन को निकाल कर फिर प्राइस ऑफ आउटपुट के रिस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तब हमको हॉटेलिंग लेमा मिलेगा, गॉट इट। तो इस फंक्शन से अब सप्लाई फंक्शन निकालेंगे, तो देखो कैसे निकलता है। तो इसमें भी एफ ओ सी को हमको मतलब प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएटिंग करना पड़ेगा, हमारा जो प्रॉफिट फंक्शन है, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएटिंग करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट, ये प्रॉफिट फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू हमको यहां डब्ल्यू करना पड़ेगा, ठीक है, वेज के रिस्पेक्ट में, याद रखना। तो इसको हम करेंगे तो कुछ इस तरह का फिगर होगा, दोनों साइड देखेंगे, लेकिन इसका डेरिवेटिव एकदम आसानी से तुरंत अकबका मत कर दीजिएगा, याद रखिएगा। तो यहां पर क्या है कि आपको दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा और एक में चैन रूल भी लगेगा, ठीक है। अब जैसे पहला वाला देखो, यहां पर हम डेल पाई पी डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, तो यहां पर होगा देखो, ये पी है और ये है, और हमारा ये दोनों का फंक्शन है पी डब्ल्यू का, तो हम यहां प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डेल पी बाय डेल डब्ल्यू टाइम्स, ठीक है, सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन यहां से यहां तक एफ वाला लिखाएगा कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, एक्स इज द फंक्शन ऑफ पी डब्ल्यू, ठीक है, इसको बंद हो गया, ठीक है, डेरिविटी ऑफ फर्स्ट फंक्शन टाइम्स सेकेंड फंक्शन, ठीक है, प्लस अभी इसी में हो रहा है, याद रखिएगा। अब हम डेरिविटी ऑफ सेकेंड फंक्शन लेंगे तो बी केयरफुल, सेकेंड फंक्शन को डायरेक्ट नहीं लेंगे कंपोजिट फंक्शन, पहले एक्स का रिस्पेक्ट में लेंगे उसके बाद डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में लेंगे, तो कुछ इस तरह लिखेंगे डेल, ये टोटल लिखाएगा, ठीक है, फंक्शन एक्स इज फंक्शन ऑफ पी डब्ल्यू, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में लिए, और उसके बाद ये वाला जो एक्स इज द फंक्शन ऑफ पी डब्ल्यू है, एक्स इज द फंक्शन ऑफ पी डब्ल्यू है, इसको आप डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में ले लोगे, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब उसके बाद एक चीज और छूट रहा है, ये डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन हुआ, लेकिन फर्स्ट फंक्शन से भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो वो भी पी कर दिए, अब माइनस होगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर का काम है तो अंदर का काम होगा। यहां भी दो फंक्शन है, डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में लेंगे तो डेरिविटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी डब्ल्यू बाय डी डब्ल्यू, ठीक है, इनटू सेकंड फंक्शन एक्स इज द फंक्शन ऑफ पी डब्ल्यू, डेरिविटिव प्लस डेरिविटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो डी एक्स इज द फंक्शन ऑफ पी डब्ल्यू बाय डी डब्ल्यू इनटू फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो ये तो भाई वन हो जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो फिर हम लोग करते हैं इसको आगे की प्रोसेस की ओर, और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको इक्वेशन वन मान लेना, अभी हमको काम आएगा। तो डेल पाई पी डब्ल्यू, ठीक है, डी डब्ल्यू, अब यहां पर देखो एक चीज है ना, पी डब्ल्यू का फंक्शन नहीं है, वो प्राइस ऑफ आउटपुट है, ठीक है, उसकी डेरिविटिव क्या होगी, जीरो होगी, तो मैं जीरो कर दिया, और उसके बाद ये वाला टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो जीरो ही कर देगा सबको, पी डब्ल्यू, ठीक है। अब यहां पर जो टर्म है ये तो है, तो ये पी को हम पहले लिख सकते हैं, पी टाइम्स डेल एफ एक्स, ठीक है, एक्स पी डब्ल्यू, ठीक है, डी एक्स, ये पी हम लिख चुके हैं पहले, और यहां पर मल्टीप्लाई है डेल एक्स विच इज द फंक्शन ऑफ पी डब्ल्यू डी डब्ल्यू, ओके। उसके बाद क्या करना है, ये होल टर्म माइनस से गुना करने से पहले कुछ चीजें क्लियर कर लो। इसका होगा डेरिवेटिव वन, तो यहां पर एक्स इज द फंक्शन ऑफ पी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू
dx विच इज द फंक्शन ऑफ pw dw, ठीक है। अब ये चीज यहां तक आ गई, अब यहां तक आपको अगर समझ में आ गई होगी तो हम ऊपर फिर हम जाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेस की पॉसिटी होने वाली है, ठीक है। तो आप यहां समझो कि इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, जीरो। मे आई इरेस अपर पोर्शन ऑफ थिंग्स? हाँ बोलिए। देखिए पहला तो हम लिए, देखिए कंपोजिट फंक्शन है, देखिए यहां पर देखने की कोशिश कीजिएगा, ये टोटल का लिए, ये x का फंक्शन है, ये वाला f है क्या, किसका फंक्शन है, डायरेक्ट x का, और इनडायरेक्टली x pw का है। तो पहले मैंने इसको x के रिस्पेक्ट में लिया, और ये पूरा फंक्शन f का लिया इसलिए मैंने f लिखा, फिर x इज द फंक्शन ऑफ w का है, तो यहां चैन रूल लगाएंगे, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन आपका जीरो कर देगा, तो मैं ऊपर वाला मिटाऊंगा तभी मेरे पास स्पेस की पॉसिटी हो रही है, ठीक है। तो ये वाला हम टर्म को ऊपर अब चलते हैं, ये तो नीचे वाला हमको आया है, पेशेंस रखिए, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है अपने आप से। तो यहां पर फिर है प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन जो है डेरिवेटिव लीजिए पी डब्ल्यू बाय डी डब्ल्यू। अब यहां पर देखो ये टर्म जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, जीरो से प्लस करेंगे तो यही टर्म आ जाएगा। तो लिखते हैं पी डेल एफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ पी डब्ल्यू डी एक्स, ठीक है। ये लिखे, फिर मैं ये लिख रहा हूं डी टाइम्स डी एक्स डेल एक्स विच इज द फंक्शन ऑफ पी डब्ल्यू बाय डी डब्ल्यू, ठीक है। अब एक चीज है कि यहां से माइनस से करेंगे तो दोनों टर्म माइनस होने वाला है, तो यहां हम लिखते हैं, जगह की थोड़ा कमी होगा तो हम यहां फिर वन सेकेंड से लिखते हैं माइनस एक्स, माइनस एक्स इज द फंक्शन ऑफ पी डब्ल्यू, ब्रैकेट को खत्म कर रहे हैं, माइनस डब्ल्यू डेल एक्स इज द फंक्शन ऑफ पी डब्ल्यू बाय डी डब्ल्यू। अब जैसे ये चीज हम कंप्लीट कर ली है तो बहुत ही आसानी से हम प्रूफ कर सकते हैं, एथी हम निकाल लेंगे नेट सप्लाई फंक्शन। अब देखिए हम लोग बहुत करीब हैं, तो करीब कैसे हैं वो देखना पड़ेगा, थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा। तो डेल पाई इज द फंक्शन ऑफ पी डब्ल्यू डी डब्ल्यू, थोड़ा सा सेटिंग करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम सबसे लास्ट में रख देते हैं, एक बार और हम लिख देते हैं ताकि स्टेप कोई स्किप ना हो, x इज द फंक्शन ऑफ पी डब्ल्यू, अभी तक हम सेम लिखाएगा जैसे वो लिखा रहा है, थोड़ा सा एक इसको करने के लिए किनारे, डेल x, आपको फिर विजुअलाइज होगा कि इसमें क्या कॉमन है, अभी डायरेक्ट लेंगे तो किसी को दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। डी डब्ल्यू ये तो एज इट इज लिखा है ये दोनों टर्म, लेकिन ये टर्म को अभी नहीं लिख के ये टर्म को लिख देते हैं, माइनस डब्ल्यू डेल x विच इज द फंक्शन ऑफ पी डब्ल्यू, ठीक है, डी डब्ल्यू। और एक टर्म मैं इसको भी नहीं बोला था, इसको मैं लास्ट में लिख देता हूं, एक्स इज द फंक्शन ऑफ पी डब्ल्यू, ठीक है। अब यहां देखो कुछ कॉमन है दोनों में जी, अरे दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, इसमें ये वाला टर्म कॉमन है, देखो तो बोलिए। Yes, हाँ सब सो जाता है लगता है, डेल पाई पी डब्ल्यू पूछना ही बेकार है आप लोग से, ठीक है। तो यहां से कॉमन हम ले लेते हैं पी डेल एफ विच इज द फंक्शन ऑफ एक्स पी डब्ल्यू, ठीक है, डेल एक्स माइनस डब्ल्यू, ठीक है। यहां से हम अगर कॉमन लेंगे तो यहां से w निकलेगा और ये मल्टीप्लाई होगा डेल x इज द फंक्शन ऑफ पी डब्ल्यू बाय डी डब्ल्यू, ठीक है, माइनस x पी डब्ल्यू। अब यहां देखो इक्वेशन नंबर वन से आपका देखो ये वाला x इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ पी डब्ल्यू, तो इतना का वैल्यू जीरो है, देखो ये बॉक्स के अंदर वाला का वैल्यू जीरो है, ठीक है। हाँ तो बॉक्स वाला का अंदर का वैल्यू जीरो है,
तो ऑब्वियसली हम इसको जो प्रॉफिट फंक्शन का डेरिवेटिव लिए पी डब्ल्यू डी डब्ल्यू, तो इतना बराबर जीरो हो गया, और वो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे डेल एक्स पी डब्ल्यू डी डब्ल्यू, तो यहां पर होगा माइनस एक्स इज द फंक्शन ऑफ पी डब्ल्यू। ठीक है, अब ये वाला जीरो हो जाएगा, तो अब हमारा जो प्रॉफिट फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया है डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में, तो वो जो हमको रिजल्ट यहां दे रहा है माइनस एक्स पी डब्ल्यू, याद रखना इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दिस इज द कॉल्ड नेट सप्लाई फंक्शन ऑफ द फर्म विच इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ आउटपुट एंड एज वेल एज इनपुट प्राइस, फर्स्ट थिंग टू बी नोटेड हेयर। और यहां पर माइनस साइन दिखा रहा है कि अगर प्रॉफिट फंक्शन घट जाएगा इफ देयर इज ए इंक्रीज द प्राइस ऑफ इनपुट, अगर जितना इनपुट का प्राइस बढ़ेगा उतना ही क्या होगा प्रॉफिट फंक्शन घटेगा। अब हम हॉटलिंग लेमा पर आ चुके हैं, मैंने क्या किया प्रॉफिट फंक्शन से सप्लाई फंक्शन निकाल दिया, तो हॉटलिंग लेमा हम कैसे निकालेंगे वो इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये जो निकला है इसको हम लोग कहेंगे नेट सप्लाई फंक्शन, और ये मीनिंगफुल तभी है जब इसकी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो हो, याद रखना वो माइनस की साइन आपको कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, ये जानकारी के लिए है कि जैसे डिमांड फंक्शन में भी है, प्राइस और डिमांड में क्या संबंध, इनवर्स रिलेशनशिप है, उसी तरह यहां पर प्राइस ऑफ आउटपुट सॉरी प्राइस ऑफ प्रॉफिट और इनपुट प्राइस मतलब इनपुट प्राइस में निगेटिव थी क्या संबंध है, इनवर्स रिलेशनशिप, जितना इनपुट का प्राइस बढ़ेगा उतना प्रॉफिट डाउन होगा। ठीक है, तो इसका मीनिंगफुल तभी डेरिवेटिव होगा जब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होगा। तो हॉटलिंग लेमा हमको सीखना है, तो हॉटलिंग लेमा इज ए ऑब्टेन बाय ठीक है नेट सप्लाई फंक्शन डिराइव फ्रॉम द प्रॉफिट फंक्शन टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी, किसका लेना है विद रिस्पेक्ट टू पी, ये वाला रिजल्ट का। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे डेल एक्स विच इज द फंक्शन ऑफ पी डब्ल्यू बाय डेल टी, इट गिव्स अस हॉटलिंग लेमा, हॉटलिंग लेमा। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि माइनस का साइन क्यों छोड़ दिया, तो माइनस का रिलेशनशिप आपका आ रहा है वो ये चीज बता रहा है यहां पर माइनस वाला कि आपके जो रिलेशनशिप है प्रॉफिट फंक्शन और क्या कहते हैं इनपुट प्राइस में वो नेगेटिव रिलेशनशिप का है, तो वहां नेगेटिव इज मीनिंगलेस तभी होगा जब इसकी डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होगा। डेल एक्स इज द पी डब्ल्यू बाय डी पी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो ये जो हम निकालेंगे पी के रिस्पेक्ट से यही हमारा हॉटलिंग लेमा था। तो आज का क्लास हमारा यही था जिसमें मैंने हॉटलिंग लेमा को मैथमेटिकली डिराइव किया, और इसको टिप्पणी लिखने आता है तो आसान ही से लिख सकते हैं कि इसमें क्या करते हैं कि प्रॉफिट फंक्शन से सप्लाई नेट सप्लाई फंक्शन निकालते हैं, और नेट सप्लाई फंक्शन निकालने के बाद उसको आउटपुट के रिस्पेक्ट में वी हैव टू टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट गिविंग अस हॉटलिंग लेमा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टेलेंट, जय हिंद।